सीधा यही है, 3 बिल वापसी, MSP पे कानून करेंगे और होंगे, सारे काम होंगे, पर टाइम लगेगा। जब तक बिल वापसी नहीं होने का तब तक चलेगा, जब तक ये नहीं समझने के जब तक चलेगा, जब तक सरकार नहीं मानने की तब तक चलेगा। आंदोलन पीछे हटने वाला है ही नहीं। 9 महीने हो गए, अब क्या हम घर जाके बैठेंगे? 9 महीने से यहाँ सड़क पे अपनी फैमिली के साथ पड़े लोग, परेशानी तो आती है, लेकिन इससे बढ़ के तो कुछ नहीं है। अगर ये बिल पास हो जाते हैं, आगे किसान मरेगा उससे तो बढ़िया है, अपना प्रोटेस्ट करके इनसे लड़ाई करी जाए, सरकार के खिलाफ खड़ा हो। अगर अब भी खड़े नहीं होने के सरकार के खिलाफ, फिर आगे आने वाले टाइम में क्या कर लेंगे? सांसद निकल नहीं रहे ना, वे क्यों निकलेंगे भाई? उनकी चलती नहीं, जिनकी चलती है वो खुद ही नहीं कुछ बोलना चाहते, और ये निकल के इन्हें और यूँ लगता है भाई अपने गले में क्या हो फालतू का वो करना। जो BJP वाले वो तो बताते हुए भी डर रहे रोड पे कि हम BJP के हैं, वो तो इसलिए वो निकल के करेंगे क्या जब उनकी कोई सुन नहीं रहा? बिल वापसी होगी नहीं, वार्ता के लिए किस चीज़ की वार्ता करना चाह रहे हैं फिर? मैं वार्ता करने के संशोधन करना ही क्या है? 9 महीने हो गए संशोधन के लिए बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा उन्हें। 11 दौर की वार्ता तो पहले हुई, उसमें भी यही रहा कि भाई बिल वापसी ही होंगे। जब नहीं समझ में आया, अब फिर से वो इस चीज शुरू कर दी, संशोधन संशोधन चाहिए, नहीं संशोधन बिल वापसी चाहिए। क्या दिक्कत है बिल वापसी करने में? बिल वापसी क्यों नहीं करते भाई? स्वागत है निकिता जी, धन्यवाद। कैसा मतलब महसूस करेंगे आप इस तरह से? 8-9 महीने होने जा रहे हैं, कोई परिणाम तो नहीं पहुंच पा रहा आंदोलन? देखिए, 8-9 महीने से किसान सड़क पे बैठा हुआ है, दुख तो होता है, लेकिन अगर बिल वापसी नहीं हुए तो उसके बिना तो हटने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि बिल वापसी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल वापसी पे ही किसान घर वापसी है, तो उससे पहले तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले 10-11 दौर की वार्ता हुई, उसके बाद में किसानों द्वारा पत्र लिखा गया, बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक कॉल दूर हैं, अभी आपने पार्लियामेंट भी लगा रखी है, पैरेलल पार्लियामेंट, क्या समझ में आता है आगे? तो जरूरी है ना ये सब करना? अब भाई वो कह देते हैं एक कॉल की दूरी पे है, बात करना वो चाहते नहीं है। 11 दौर की वार्ता करी, अब बीच में फिर इतने 9 महीने हो चुके हैं, किसान सड़क पे है, दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, तो उस चीज़ के लिए कुछ तो करेंगे। यहाँ ना तो यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा है कि भंडारा चल रहा है, उस लिए बैठे, अपनी मांग पूरी कराने के लिए बैठे, तो आगे का प्लान तो करना ही पड़ेगा। ये तो बैठने से तो काम चलने का नहीं कि आगे सिर्फ बैठ के, प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, काम सारे करने पड़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले चिंतन मंतर पर महिलाओं ने अपनी पार्लियामेंट चलाई थी, आप लोग महिलाएं मुजफ्फरनगर से कहीं दूर दूर से यहाँ पे आती हैं, तो परेशानी नहीं होती इस तरह से? कब तक चलता रहेगा ये? परेशानी तो आती है, लेकिन इससे बढ़ के तो कुछ नहीं है। अगर ये बिल पास हो जाते हैं, आगे किसान मरेगा उससे तो बढ़िया है, अपना प्रोटेस्ट करके इनसे लड़ाई करी जाए, सरकार के खिलाफ खड़ा हो। अगर अब भी खड़े नहीं होने के सरकार के खिलाफ, फिर आगे आने वाले टाइम में क्या कर लेंगे? देख तो लिया हाल क्या है, महंगाई का हाल देख लिया, जो देख लो क्या हालत हो रही है कि सड़कों पे किस तरह बेरोजगार घूम रहे बच्चे, हालात तो देख लिए क्या हो रहे हैं। कोरोना काल में देख लो क्या हुआ, वेंटिलेटर नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, दवाइयाँ ब्लैक में मिली, तो अब नहीं खड़े होने के तो आगे क्या हाल होगा? आपने शायद वक्तव्य सुना होगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। हाँ, कहाँ थे वो स्वास्थ्य मंत्री जब ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे और हाथों में ले लेकर लाश घूम रहे थे लोग सड़कों पे, तब कहाँ थे? ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई, फिर मौत किस चीज़ से हुई? अपनी कमी छुपाने के लिए तो कुछ भी कह दो, फिर बयानबाजी कुछ ही करते फिर। जिनके लोग गए हैं ना, जिनकी मौत हुई, उनके घर में जाके देखो कि आज क्या हाल है, बच्चे अनाथ हो गए, बच्चे तक अनाथ हो गए भाई, मतलब तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये बस ये एक बयान आके दे देंगे ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, लोग मान लेंगे, कोई नहीं मानने का। अच्छा, आपको क्या लगता है आंदोलन इस तरह चलता रहेगा या किसान जो कर रहे हैं आगे ये प्रोटेस्ट कब तक लंबा चलेगा? जी लंबा चलेगा, जब तक बिल वापसी नहीं होने का तब तक चलेगा, जब तक ये नहीं समझने के जब तक चलेगा, जब तक सरकार नहीं मानने की तब तक चलेगा। आंदोलन पीछे हटने वाला है ही नहीं। 9 महीने हो गए, अब क्या हम घर जाके बैठेंगे? 9 महीने से यहाँ सड़क पे अपनी फैमिली के साथ पड़े लोग। क्या आपको लगता नहीं है कि मतलब इस तरह से सरकार पे जू नहीं रेंग रही कान पे? सब रेंग रही, सरकार तो निकल भी नहीं रही, सरकार के तो इतनी जू रेंग रही, अभी थोड़े दिन में पता चल जाएगा, और थोड़ा सा टाइम होने तो 8 महीने हो गए ना होने, तो अभी तो कहाँ देखो, धीरे धीरे सारे निकल के आएंगे जो उनसे छुपे बैठे। किसानों द्वारा कभी कहा जाता है कि हम लखनऊ घेरेंगे, कभी कहता है झंडा फहराएंगे, कभी कहता है हम संतर मंत्र पर ये करेंगे, तो एक स्टैंड क्यों नहीं लेते कि ऐसे करना है हमें? देखिए, काम सारे होंगे, धीरे धीरे सब होंगे, जो हमारे बड़े बैठे हैं ना वो यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे, कुछ तो करेंगे वो, ऐसा थोड़ी वे सरकार मानने वाली, लड़ाई सरकार के साथ है, तो इतनी आराम से तो कुछ होने का नहीं कि वो इतनी आराम से मान जाएंगे। 9 महीने तो हो गए, अब धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, जो सरकार भाई लड़ाई सरकार से है तो कुछ बड़ा ही करने की सोचेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ठीक है अपना इन्होंने मान ली, जब ये सुन नहीं रहे, वार्ता के लिए नहीं बुला रहे, तो कुछ तो करेंगे ही। नहीं, वार्ता के लिए तो बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल वापसी नहीं होगी, बिंदुओं पर बात कर लो आप।
बिल वापसी होगी नहीं, वार्ता के लिए किस चीज की वार्ता करना चाह रहे हैं फिर? मैं वार्ता करने के संशोधन करना ही क्या है, 9 महीने हो गए संशोधन के लिए बैठे हैं, यदि समझ में नहीं आ रहा ना। 11 दौर की वार्ता तो पहले हुई, उसमें भी यही रहा कि भाई बिल वापसी ही होंगे, जब नहीं समझ में आया अब फिर से वो इस चीज़ शुरू कर दी, संशोधन संशोधन चाहिए नहीं संशोधन, बिल वापसी चाहिए, क्या दिक्कत है बिल वापसी करने में, बिल वापसी क्यों नहीं करते भाई? सरकार ने कहा कि जो किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं उनकी तो राय रखनी पड़ेगी हमें। वो कंडीशन लगा के बात करना चाहते हैं, कंडीशनल तो बात होने के लिए सीधा यही है, 3 बिल वापसी MSP पे कानून करेंगे और होंगे सारे काम होंगे, पर टाइम लगेगा। देखिए इनको दृढ़ विश्वास है कि MSP पे कानून बनेगा और बिल वापसी होगी। अगला पड़ाव पे चलते हैं, जानना चाहते हैं कि हमने सर्वे किया था, अपने ऑनलाइन सर्वे किया था, सबूत है कि किसान नेताओं को जो आंदोलन कर रहे हैं उनको क्या चुनाव में आना चाहिए। 87% लोगों ने कहा है किसान नेताओं को चुनाव में आना चाहिए, तो वो तो यही बताएंगे आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हाँ, तो मेरे हिसाब से तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें राजनीति में आने से ज़्यादा जो नॉर्मल रहने में जो पावर है ना, वो राजनीति में आने के बाद ख़त्म हो जाती है, उसमें एक बाउंडेशन हो जाती है कि भैया इस पार्टी से रिलेटेड हो गया, वो उस पार्टी के दबाव में आ जाता है। अब क्या है, अब तो वो कैसे भी करके कहीं भी खुल के प्रोटेस्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसमें ज़्यादा मुझे लगता है कि लोगों की स्ट्रेंथ उनके साथ रहती है बिना राजनीति में आए। किंतु राजनीति में नहीं जाएंगे तो पार्लियामेंट में कानून तो राजनेता ही बनाते हैं, चुन के जाते वही बनाते हैं, तो दबाव इतना करेंगे ना हम उस हिसाब से अपनी पावर दिखाएंगे ना कि वो भी सुनेंगे, जो आने वाले हैं वो भी सुनेंगे, जो हैं वो भी सुनेंगे। आपने देखा वो शायद वहाँ पे कुछ सांसद आए थे, करीब 20 सांसद आए थे केरला वगैरह के, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का जहाँ ये चल रहा है वहाँ से कोई नहीं आया था मिलने के लिए जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर कोई नहीं आया था, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है कि सांसद निकल नहीं रहे ना, वे क्यों निकलेंगे भाई, उनकी चलती नहीं, जिनकी चलती है वो खुद ही नहीं कुछ बोलना चाहते, और ये निकल के इन्हें और यूँ लगता है भाई अपने गले में क्या हो फालतू का वो करना। जो BJP वाले वो तो बताते हुए भी डर रहे रोड पे कि हम BJP के हैं, वो तो इसलिए वो निकल कर करेंगे क्या जब उनकी कोई सुन नहीं रहा। राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके निकले थे, हाँ तो क्या हो गया ट्रैक्टर लेके निकल गए थे, तो ये इतना बड़ा इशू बना दिया ट्रैक्टर लेके निकल गए। अरे भाई तुम ट्रैक्टर लेके निकल जाओ, खुद तुम्हें निकलना नहीं है, ऐसे बाहर कोई और निकल रहा है उस पे तुम 10 बात बता दो, वो निकल गया और उसने चला लिया ट्रैक्टर डूबेगा, वो सब सही है कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें निकलना तुम भी ट्रैक्टर चला लो, अगर तुम्हें ट्रैक्टर चलाने आते हो वहाँ इस पे टीवी पे बैठ के बाइट देने से तो अच्छा ट्रैक्टर लेकर आ जाओ यहाँ। ट्रैक्टर चलाने से क्या आंदोलन को कुछ गति मिलेगी? अब वो तो वही बता किसान के पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर ही लेगा राहुल गांधी के ट्रैक्टर पार्लियामेंट जाने से, राहुल गांधी हो चाहे इसमें मोदी हो सब ट्रैक्टर ही दिखा रहे, तो बाद में वो भी आवेगा ट्रैक्टर पे ही आना, राजनीति है या तो राजनीति में कुछ ना कुछ होना ही है राजनीति। अच्छा हमारा अंतिम प्रश्न है, आप लोग कब से इस तरह से आते रहेंगे और ये परेशान झेलती रहेंगे? एक दिन यही मर जाना, अगली जनसंख्या तो मेरी ठीक रहेगी, इस वजह से पड़े ही रहेंगे, इतना मेरी मांग पूरी नहीं हो इतना यही रहेंगे, जो तो मांग पूरी नहीं होगी यही रहेंगे। हाँ, यही रहेंगे।